नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेंगलोर राजस्थान का जो मैच होगा, जो कि बेंगलोर में ही खेला जाएगा। बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोनों टीम्स का क्या प्लेइंग इलेवन होने वाला है, और साथ ही मैं आपको ड्रीम इलेवन की टीम बताऊँगा। बहुत ही बैलेंस टीम मैंने बनाई है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले प्लेइंग इलेवन देख लेते हैं कि दोनों टीम्स का आज के मैच में प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाला है और क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये दोस्तों, पहले हम आरसीबी की प्लेइंग इलेवन की बात कर लेते हैं। तो आरसीबी में ओपनिंग के लिए ब्रेंडन मैकलम, क्विंटन डी कॉक आएंगे, फिर विराट कोहली तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर ए बी डी विलियर्स, पाँचवें पर दोस्तों सरफराज खान की जगह आज या तो मनन मोरा या फिर पवन नेगी आज खेल सकते हैं। सरफराज खान आज के मैच में बाहर बैठेंगे क्योंकि लास्ट दोनों मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए मनन वोरा या फिर पवन नेगी आ सकते हैं। तो दोस्तों, छठे नंबर पे मनदीप सिंह, सातवें पे क्रिस वोक्स, आठवें पे वॉशिंगटन सुंदर, और दोस्तों कुलवंत खजोलिया या फिर मोहम्मद सिराज उनकी जगह आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज आज के मैच में आएंगे, इसलिए आप कुलवंत के साथ ही कुलवंत को ले सकते हैं आज के मैच में। दोस्तों, दसवें नंबर पर उमेश यादव, ग्यारह पे युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों, ये आज की प्लेइंग इलेवन होने वाली है। और साथ ही जो चार ओवरसीज प्लेयर रहेंगे आरसीबी के लिए, वो हैं ब्रेंडन मैकलम, क्विंटन डी कॉक, ए बी डिविलियर्स और क्रिस वोक्स। तो दोस्तों, इन चारों में कोई बदलाव नहीं है। ये चार के चार प्लेयर हैं जो ओवरसीज प्लेयर होने वाले हैं आरसीबी के मैच में। तो वहीं दोस्तों, अगर हम पिच की बात करें तो दोस्तों 150 प्लस स्कोर आज के मैच में भी बनेगा, जो कि पहले भी यहाँ डिफेंड हुआ है। तो दोस्तों, बैटिंग पिच है, स्मॉल बाउंड्रीज है, तो आप को मेरे को लगता है कि बैट्समैन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस पिच पे। तो चलिए दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ओपनिंग के लिए अजिंक्य रहाणे, डार्सी शॉट, बेन स्टॉक, चौथे नंबर पे संजू सैमसन, पाँचवें पे जॉस बटलर, छठे पे राहुल त्रिपाठी, सातवें पे गौतम, आठवें पे गोपाल, नौवें पे धवल कुलकर्णी, दसवें पे उनोत्कर, और दोस्तों 11वें नंबर का जो खिलाड़ी है बैन लॉफलिन, उन पे आज चेंज हो सकता है। वो बाहर बैठ सकते हैं, उनकी जगह जोफ्रा आर्चर आ सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम्स की, तो बेंगलोर की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। अगर हम राजस्थान के चार ओवरसीज प्लेयर की बात करें तो दोस्तों डार्सी शॉट, बेन स्टॉक, राहुल, जॉस बटलर और जोफ्रा आर्चर आज के मैच में होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये चार प्लेयर होंगे ओवरसीज़ के लिए, और वो जोफ्रा आर्चर जो हैं वो ज़रूर आज के मैच में खेलेंगे, उनके 80% चांस है। तो दोस्तों, ये है राजस्थान की टीम। अगर हम दोस्तों दोनों ही विकेट कीपर की जो बात करें, तो अगर ड्रीम इलेवन के लिए विकेट कीपर की बात करें तो दोस्तों विकेट कीपर में क्विंटन डी कॉक से अच्छा ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। वो फॉर्म में भी उन्होंने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो क्विंटन डी कॉक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आज के मैच में रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ड्रीम इलेवन की टीम जो है हमारी, उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, विकेट कीपर मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्विंटन डी कॉक मैं ले रहा हूँ इस टीम में। क्विंटन डी कॉक से अच्छा ऑप्शन कोई है नहीं। जॉस बटलर, हालांकि उनका क्रेडिट थोड़ा ज़्यादा भी है क्विंटन डी कॉक से, और वो नीचे बैटिंग करने आते हैं, मतलब लोअर ऑर्डर में आते हैं, मिडिल ऑर्डर में जॉस बटलर, तो इसलिए मैं क्विंटन डी कॉक के साथ जाना चाहूँगा, वो ओपनिंग भी करते हैं। तो दोस्तों, बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन मैंने चार लिए हैं। मैंने इस मैच में अजिंक्य रहाणे को नहीं लिया है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड युजवेंद्र चहल के खिलाफ ज़्यादा अच्छा नहीं है। और दोस्तों, विराट कोहली को मैंने लिया है ए बी डिविलियर्स का। दोस्तों, ए बी डिविलियर्स का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है राजस्थान के खिलाफ। उन्होंने अभी तक 13 इनिंग खेले राजस्थान के खिलाफ, और उन्होंने 13 इनिंग में काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट से काफ़ी अच्छे रन बनाए हैं ए बी डिविलियर्स ने। तो दोस्तों, ए बी डिविलियर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं इस मैच के लिए। ए बी डिविलियर्स ने काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है राजस्थान के खिलाफ। तो दोस्तों, उसके बाद संजू सैमसन को मैंने लिया है और राहुल त्रिपाठी को मैंने लिया है। तो दोस्तों, ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर दोस्तों मैंने दोनों जो मेन ऑलराउंडर है उनको मैंने लिया है, बेन स्टॉक को मैंने लिया और क्रिस वोक्स को लिया। हालांकि बेन स्टॉक मेरे को आज के मैच में पसंद नहीं है, लेकिन टीम बैलेंस रखने के लिए मैंने बेन स्टॉक को लिया है। तो बेन स्टॉक क्या पता आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं, रिस्क है। मुझे नहीं लगता कि बेन स्टॉक आज के मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप कि अपनी चॉइस आप ले या ना ले, आप उनकी जगह पांच बैट्समैन या फिर पांच बॉलर ले सकते हैं, क्योंकि मैंने टीम का बैलेंस बना रहे इसलिए मैंने बेन स्टॉक को लिया है। तो दोस्तों, अगर बॉलर की बात करें तो बॉलर दोस्तों मैंने चार लिए हैं। युजवेंद्र चहल को मैंने लिया, वॉशिंगटन सुंदर को मैंने लिया है। उसके बाद दोस्तों, जोफ्रा आर्चर पर मेरा रिस्क है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये अपनी चॉइस आप ले या ना ले, लेकिन मैंने इनको ज़रूर लिया है क्योंकि ये प्लेइंग इलेवन में और आज का मैच ये ज़रूर खेलेंगे।
तो वहीं दोस्तों अगर हम चौथे बॉलर की अपनी बात करें तो चौथे बॉलर मैंने कुलवंत खेजौरिया को लिया है। हालांकि मोहम्मद सिराज खेल सकते हैं इनकी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज को विराट कोहली आज के मैच में खिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों टीम प्रीव्यू की हम बात करते हैं एक बारी। तो दोस्तों विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक आ जाते हैं हमारे पास, उसके बाद विराट कोहली, संजू सैमसन, एबी डिविलियर्स, राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक और क्रिस वोक्स। और वहीं दोस्तों अगर हम बॉलर की बात करें तो दोस्तों बॉलर में वॉशिंगटन सुंदर, कुलवंत खेजौरिया, युजवेंद्र चहल और जोफ्रा आचर। तो दोस्तों कैप्टन मैंने विराट कोहली को बनाया है, वाइस कैप्टन मैं चेंज अभी करूंगा, वाइस कैप्टन मैं बेन स्टोक को बनाऊंगा। बेन स्टोक पे रिस्क है, मुझे लगता नहीं है वो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं फिर बोले जा रहा हूँ, तो मैंने रिस्क लिया है आज के मैच में बेन स्टोक पे। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप बाकी के प्लेयर जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं वो हैं ए बी डिविलियर्स का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है बेंगलोर के खिलाफ। और दोस्तों अगर बाकी प्लेयर मैं बताऊँ तो आप क्विंटन डिकॉक को भी आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, उन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद दोस्तों आप संजू सैमसन को बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, और आप उमेश यादव को बना सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। हालांकि मैंने उमेश यादव को इस मैच में नहीं लिया है, उमेश यादव ने लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। तो दोस्तों उमेश यादव को आप अगर आप दूसरी टीम को अपनी बनाते हैं उसमें आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी ड्रीम इलेवन। इस मैच के लिए मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बेन स्टोक और विराट कोहली को बनाया। आप हालांकि डिविलियर्स और उमेश यादव को बना सकते हैं, उमेश यादव मैंने नहीं लिए इस मैच से। मैंने जो बेंगलोर के बढ़िया स्पिनर है युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर, जो कि अभी तक अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, 37 इनके पॉइंट हो चुके हैं दो ही मैचों में। तो दोस्तों ये है टीम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।